कैंट पुलिस ने हॉलिडे पर ले जाकर ठगी करने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 6 अभियुक्तों को कारमल रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान दीपक कुमार राय पुत्र राजेंद्र राय निवासी H35 सूरजकुंड जनपद संत कबीर नगर, दूसरा विकास गोस्वामी पुत्र सुरेश चंद्र गोस्वामी निवासी अराजी मलापुरवा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़, तीसरा विशाल कुमार राय पुत्र विजय नारायण राय निवासी ग्राम परसरा खुर्द थाना दोहरी घाट जनपद मऊ, चौथा करुणेश निगम उर्फ शिवम निगम पुत्र रविकृष्ण निगम निवासी भरत मिलाप मैदान थाना सदर जनपद उन्नाव, पांचवा सोनू मिश्रा पुत्र हीरा मिश्रा निवासी बी 457 संगम विहार थाना संगम विहार जनपद नई दिल्ली, छठवां नवीन सिंह राठौर पुत्र रामललित सिंह राठौर निवासी डा 268 गली नंबर 204 संगम विहार थाना संगम विहार नई दिल्ली के रूप में हुई है, जिनके पास 7 मोबाइल, 1 लेनोवो का लैपटॉप माई चार्जर, 1 पेटीएम का स्वैप मशीन, 50 सेंटरा ग्रांड लॉयल्टी कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, 1 डीएल, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड, 5 एग्रीमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, 1 ऑफर एंड फीडबैक फॉर्म बुकलेट व 20 अप्रूवल फॉर्म व 1 होंडा सिटी कार को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 17 अप्रैल को आवेदक विंग कमांडर शेखर डोरले एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि 26 जनवरी को बिग बाजार में खरीदारी के समय एक व्यक्ति द्वारा कूपन देते हुए उनके फोन नंबर और कुछ डिटेल्स मांगी गई थी। 2 दिन बाद एक कॉल के माध्यम से उनको बताया गया कि आपको फ्री मूवी टिकट्स, 3 दिन का होटल स्टे और स्पा के वाउचर दिए जाएंगे, जिसके लिए मुझे गोरखपुर के होटल क्लार्क में आना होगा। 29 जनवरी को शाम के करीब 5 बजे होटल क्लार्क के कॉन्फ्रेंस रूम के फर्स्ट फ्लोर पर कॉल करने वाला व्यक्ति अपनी पूरी टीम और कुछ क्लाइंट्स के साथ पहले से मौजूद था, जहां पर उन लोगों द्वारा अपने कंपनी अवेस्टिन इंटरनेशनल क्लब के बारे में बताया गया कि 5 साल के लिए हॉलीडे स्कीम में कई लुभावने स्कीम को देने का ऑफर किया गया है और अपनी फर्जी वेबसाइट पर लुभावने वीडियोस और कस्टमर के अच्छे 5-स्टार रिव्यूज दिखाए गए एवं फर्जी हॉलीडे पैकेज के नाम से आवेदक से 70,000 रुपए ठगी करने संबंध में प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों ने मिलकर वेस्टिन इंटरनेशनल क्लब नाम की कंपनी बनाई थी, जिसके द्वारा हम लोग हॉलीडे पैकेज देने के नाम पर देश के विभिन्न शहरों में जाकर लोगों से कूटरचित फॉर्म व कार्ड प्रदान कर धोखाधड़ी करते हुए रुपया वसूल लेते हैं। इसी के क्रम में हम लोगों ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में गोरखपुर आए और यहाँ होटल रामा पैलेस स्टेशन रोड गोरखपुर में रुके और शहर के विभिन्न मॉल व अन्य जगहों पर जाकर पहले धोखाधड़ी करने के लिए प्रचार प्रसार के कागज बांटे और फिर होटल क्लार्क में हॉल में एक सेमिनार आयोजन किए और लोगों को लुभावने हॉलिडे पैकेज, होटल्स, मूवी टिकट्स आदि का ऑफर देते हुए पहले फॉर्म भराया और फिर पैसा कैश व ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न अकाउंट में लिया गया। जब काफ़ी संख्या में हम लोगों ने काफ़ी पैसा एकत्र कर लिया तो गोरखपुर से हम लोग दूसरे शहरों में लोगों को ठगने के लिए चले गए और जब हमारे क्लाइंट फ़ोन करते तो बातों में बहलाकर चुप करा देते थे। अब हम लोगों ने उस कंपनी को बंद करके एक नई कंपनी सेंटारा ग्रैंड इन एंड सूट्स लिमिटेड नाम की कंपनी खोल लिए हैं और आज उसी कंपनी का प्रचार प्रसार करके नए लोगों के साथ धोखाधड़ी करके रुपया कमाने आए थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक अवधेश चंद्र मिश्र, विशाल कुमार शुक्ला, कांस्टेबल संजय सिंह यादव, सुजीत कुमार यादव, राज नारायण, ध्रुवंशी, दीपक शामिल रहे।